हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चावल के आटे के पापड़, जो बड़ी आसानी से गर्मियों में बन जाते हैं और इसे धूप में सुखाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 5-6 घंटे में ये बनके तैयार हो जाते हैं और साल भर हम इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने रेडीमेड आटा लिया है चावल का। 1 कप हमें चावल का आटा ले लेना है। 1 चम्मच हमें ज़ीरा लेना है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है। नमक हम स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। और 1 कटोरी चावल के आटे के साथ हमने लिया है 10 कटोरी पानी और इसे हम डाल लेंगे। मैंने कढ़ाई को अभी गैस पे नहीं रखा है और अब आटे को पानी में अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो जब तक लंप फ्री हो जाए तब तक हमें इसे मिला लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी इसमें कोई भी गुठलियाँ वगैरह नहीं हैं। तो लगातार चलाते रहें। चावल का आटा फ्रेंड्स हम अपने घर पे भी बना सकते हैं। चावल को धो करके सुखा लें और उसे आप मिक्सी जार में पीस लें और ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जब इसमें कोई गुठलियाँ ना हो तब हम गैस पे चढ़ा लेंगे इसे। शुरू में मैं मीडियम फ्लेम पे इसे चला रही हूँ और जब हल्का गाढ़ा होने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे। लगातार चलाते रहना चाहिए, नहीं तो चावल का आटा नीचे कढ़ाई में ही चिपक जाता है। दोस्तों, बड़ा ही आसान सा तरीका है और इससे हम बहुत सारे पापड़ बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस पापड़ में जीरे का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो आप जीरा डालें, अगर आपको जीरे का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हल्का गाढ़ा होते ही हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और लगातार चलाना है। तो ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए तब हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। और अब तुरंत ही हमें एक छोटे बोल में निकाल लेना है इसे, ताकि पकड़ने में बोल को आसानी हो। और तुरंत ही ये काम हमें पहले करके रखना होता है। एक कॉटन की चादर हम बिछा लेंगे एक कॉट पे और तुरंत ही हम इसे इस तरीके से एक एक चम्मच हम ड्रॉप करेंगे और हल्का हम प्रेस करके इसे फ्लैट कर लेंगे। इस तरीके से हमें करना है। तो चादर बिछाने वाला काम पहले ही रेडी कर लीजिएगा। और ये देखिए, 5-6 घंटे में ये बड़ी आसानी से धूप में सूख जाता है। तो ये बिल्कुल सूख करके तैयार हो गए हैं। तो इसे हम निकालने के लिए चादर को पहले उल्टा कर लेंगे और थोड़ा सा पानी छिड़क लेंगे। और पानी छिड़कने के बाद ये बड़ी आसानी से इस कपड़े से उतर जाता है। और ये देखिए कितनी आसानी से उतर गया है। और उतारने के बाद में हम इसे वापस से एक थाली में या बड़े बर्तन में डाल करके धूप में थोड़ी देर के लिए सुखा लेंगे। तो दोस्तों, बड़ा ही आसान सा तरीका है, आप ज़रूर बनाइएगा। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ये पापड़ हम साल भर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। एक एयरटाइट डब्बे में हम डाल करके इसे रख सकते हैं। तो चलिए, इसे मैं आपको बना करके भी दिखा देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो जाना चाहिए और ये देखिए, तेल गर्म हो जाएगा तब हम इस पापड़ को डालेंगे। और आप देख सकते हैं ये डबल साइज़ में हो गया है और ये बहुत ही क्रंची बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। ये देखिए, इसका साइज़ दोगुना हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और इसे हम साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ज़रूर आप बनाइएगा, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी इस रेसिपी को शेयर करें। ये देखिए कितने क्रंची बन करके तैयार हुए हैं।